हम लोग इस लॉकडाउन के बाद स्टॉक मार्केट को भली भांति जान ही चुके हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को हम में से ज्यादातर लोग रिस्की मार्केट के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अलग अलग कैटेगरीज के कंपनीज में अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करके कम रिस्क में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में कंपनीज को उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, और वह स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, और स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। बेसिकली 6 महीने से 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को हम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, और 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी ब्लू चिप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैसिव रिटर्न देखने को भी मिल सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कंपनीज को ही ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है।